नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फाइनली हमारा ये मॉन्स्टर, छोटा मॉन्स्टर तैयार हो चुका है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हमने ब्रेकिंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आइए, मैं आज आपको इसको, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ बताता हूँ कि ये चार्ल्स ऑडियो का जो सबवूफर है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे इसका जो मैग्नेट है, इसका जो साइज 155 मैग्नेट है, और ये SVC सबवूफर है। SVC और DVC कैसे पता चलता है? जैसे आपको किसी भी वूफर में देखना है तो ये दो टर्मिनल आपको दिख रहा है। अगर यही दो टर्मिनल यहाँ भी आपको दिखता, जैसे भी यहाँ स्लॉट दिया हुआ है, तो ये DVC वूफर हो जाता, बट ये SVC है। और इसका जो कंपनी RMS बोलती है वो 500 RMS है। पीक पावर कंपनी ऐसा कुछ बोलती नहीं है, ये कंपनी RMS पे विश्वास करती है। जैसे बाकी होती है ना, जो हमारी वॉट्स ज़्यादा दिखा देते हैं, 1500 वॉट, 2000 वॉट, बट उसमें मत जाइए, हमेशा RMS में जाइए। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। सो अब बात करते हैं इसकी स्पाइडर की और इसके बास्केट की। स्पाइडर आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। इसकी पेस्टिंग भी आप देखिए बहुत अच्छी दी गई है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बूफर के बारे में। और इसका कोन भी जो है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसका जो कोन दिया हुआ है बहुत सॉफ्ट है, इससे बेस बहुत अच्छा निकलेगा। और रही बात अब इसकी टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल आप देखिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ JBL से, तो JBL में क्या होता है ना, टर्मिनल आपका जो रहता है उसमें ऐसा वाला टर्मिनल नहीं देता आपको, ऐसा नॉर्मल टर्मिनल देता है। जैसे पुराने उसमें आता था कि उसमें छेद करके या तो सोल्डरिंग कर लो या उसमें डाल करके ऐसे बांध लो जुगाड़ से। बट इसमें मेरे को अच्छी चीज़ लगी कि प्राइस के हिसाब से कंपनी ने जो टर्मिनल दिया है बहुत अच्छा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आप इसको बस प्रेस करना है, वायर डालनी है, छोड़ देना है लॉक। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। रही अब बात करते हैं इसके बास्केट की, तो बास्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉइल गर्म ना हो करके यहाँ पे आपकी विंडो दी हुई है, जिससे कि एयर प्रेशर जाए और आपका कॉइल प्रॉपर करे और आपका वूफर हीट ना हो। सो ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशन। और इसका वेट भी काफ़ी है ना, कम से कम, नॉट श्योर, मैं इसको वेट करके दिखा दूंगा, मेरे घर में वेट मशीन में, उसमें एग्जैक्ट आपको वेट दिखा दूंगा कि इसकी वेट कितनी है। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशन। अब इसकी बारी है परफॉर्मेंस की, तो आइए आपको दिखाता हूँ इसके कैसा परफॉर्म करता है। हमारी गाड़ी है उसमें हम इसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फिट करने से पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, ये जो वूफर है वो 4 ओम्स का वूफर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। और RMS मैंने आपको बता दिया 500 वाट RMS। तो SVC 4 ओम्स चार्ल्स ऑडियो, आइए रिव्यू करते हैं। सो फाइनली हमारा चार्ल्स कार ऑडियो बूफर फिट हो चुका है, ये बॉक्स हमारा फिटिंग हो गई है। इसकी पेस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं इसमें पेस्टिंग बहुत ही प्यारा किया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी तो लाजवाब है, नो डाउट। सो ये तो हो गया अभी स्पेसिफिकेशन का बात, अब आते हैं इसके असली परफॉर्मेंस में, देखते हैं क्या परफॉर्म करता है। तो यही है वो एम्पलीफायर जिसको हम यूज़ करने वाले हैं इस चार्ल्स कार ऑडियो को प्ले करने के लिए। इन्फिनिटी का रेफरेंस 551A। इसकी अनबॉक्सिंग और सारी स्पेसिफिकेशन वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डली है, जिन भाई को इसके बारे में जानना है वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। सो आइए अब इसको परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कैसा प्ले होता है। और रही बात प्लेयर की, सो वही मेरा प्लेयर है JVC का, डबल डिन का ये प्लेयर है। सो लेट्स सी क्या परफॉर्म करता है, चलते हैं। घड़ी आ गई है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा चार्ल्स कार ऑडियो प्ले करेगा। सो भाई लोग, अब बारी है इसका परफॉर्मेंस दिखाने की। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि चार्ल्स कार ऑडियो का ये पहला वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ कि असली परफॉर्मेंस क्या है ब्रेकिंग के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, स्टार्ट करते हैं। हेडफोन जरूर डाल लीजिएगा।
अब आपको दूसरा साउंड में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी आपको मैं सारे लाउड गाने सुना रहा हूँ, लास्ट में आपको मैं एक लो गाना सुनाऊंगा कि ये बूफर लो में कैसे परफॉर्म करता है। तीन हम आपको गाने सुना रहे हैं, आप जज कीजिएगा कैसा है, और मैं आपको आखिरी में अपना रिव्यू भी दूंगा। हेडफोन जरूर डाल लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब एक वूफर बज रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दो वूफर बज रहा है, और क्या आउटपुट आ रहा है, क्या क्लीन बेस है। चलो कोई नहीं, अब बारी आती है लो की, मैं आपको अब लो सुनाता हूँ। फेलिशियस इस सॉन्ग का नाम है, 30 हर्ट्ज का ये सॉन्ग है, उसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। फेलिशियस सॉन्ग सुनिएगा, ये लो सॉन्ग है, हमने इसको अभी तक दो लाउड गाने बजा लिए हैं, अब बारी है लो सॉन्ग की, ध्यान से सुनिए, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। भाई लोग, अब मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कैसा साउंड आ रहा है, सुनिएगा। भाई साहब क्या बज रहा है, ऑसम। भाई लोग ये था लो सॉन्ग, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, आइए हम आपको रिव्यू कराते हैं, बताता हूँ कैसा था ओवरऑल परफॉर्मेंस। भाई लोग अब बारी है रिव्यू की, मैं एकदम सच सच आपको रिव्यू बताऊंगा, मैंने अभी तक पायनियर, JBL, वी सोनिक जितने भी वूफर सुने हैं, अभी पायनियर SPL के भी वूफर है, खैर उनसे मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन पायनियर अगर मैं JBL से कंपेयर करूं, ये बहुत फार बेटर बज रहा है ना। आप 412-11 से भी मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो भी मैं इसको रैंकिंग इसको ऊपर दे दूंगा, क्योंकि लो और लाउड जो इसने बजाया है और सम बजा रहा है, मतलब जितना दो JBL मिलके बजाते हैं ना, वो एक अकेला बजा रहा है, मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। और जो लो साउंड आपने अभी फेलिशियस मैंने बजाया, उसने उसको इतनी शिद्दत से उसने बजाई है ना, मज़ा आ गया, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया, बहुत मैं हैप्पी हूँ। रिव्यू कर रहा हूँ, एकदम जेन्युइन रिव्यू है, इससे चार्ल्स कार ऑडियो से मुझे ना कोई पैसे मिलने वाले हैं ना कुछ ऐसा है, बट मैं चाहता हूँ जिस पैसे में आप JBL और पैनियर में आप पैसे डाल रहे हो, वो पैसे आप इसमें डालो, इन्वेस्ट करो, और आपको आउटपुट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। मेरे तरफ से थम्स अप है चार्ल्स कार ऑडियो को। कैसी लगी वीडियो,
प्लीज़ बताइएगा और लाइक करें, कमेंट करें, मेरे नए भाई जो है सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको जो मैंने बोला है इसमें JBL और इसमें कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, और मैं डैम श्योर हूँ कि चार्ल्स कार ऑडियो पायनियर JBL से बहुत आगे निकल चुका है। बहुत बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त बनाई है चार्ल्स कार ऑडियो वालों ने, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर यूज़ करें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थम्स अप है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।